नंदलाल अग्रवाल की स्मृति में उनके परिवार द्वारा दिया जाएगा। साथ ही द्वितीय पुरस्कार श्री चंद्र सिंह जी सिसोदिया विधायक करोट बानपुरा द्वारा दिया जाएगा। साथ ही बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट गेंदबाज, बेस्ट फील्डर व प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाएगा। यह मैच 10-10 ओवर का खेला जाएगा, जिसमें 3 ओवर का पावर प्ले शामगढ़ ने पहले ड्रा जीत कर बैटिंग चुनी है। आखिर में अच्छी बॉल डाली, हल्के से फ्लैश किया हाथों में, अब वो दे नहीं रहे उनके से। अच्छी गेंद थी, अगली गेंद और फुलटर गेंद खेल जाए, खिलाड़ी मौजूद वहां पर, एक रन नहीं रोक पाएंगे आज आशी और आशी को। आज अरुण गिरोधर को उज्जैन ने 51 रुपए में खरीदा है खेलने के लिए। उज्जैन की ओर से खेलते हैं हमारे साथी कमेंटर अरुण गिरोधिया, अच्छा ऑलराउंडर है, लीडरशिप काफी तेज खेलते हैं। खेल दिया कवर में, कोई मौका नहीं है, बस काफी रूम देना आशु को खेलने के लिए। सीधा गेंद गई चार के लिए, गेंद गए साइकिल पकड़ने के लिए, गेंद को पकड़ के दिया खिलाड़ी को, काफी रूम दिया खेलने के लिए आशु को। आशु ने सब पूरा फायदा उठाया, 16 का वर्तमान स्कोर 5 रन। अगली गेंद फिर खेल जाए कि लगता है मुझे साइकिल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तो बेस्ट फील्डर है स्टेडियम ऑफ लॉन्ग लाइफ पे फील्डिंग करते रहा, क्या खेल है सर्कल में फील्डिंग कर रहे हैं। पहला विकेट आशी के रूप में गिरता हुआ, बस शाम का 16 का अच्छी सफलता। अरुण थोड़ा ठंड उड़ा अपनी, कैच पकड़ा साइकिल ने, अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं अमन स्पॉट वर्सेस शोले, कप्तान खुद बॉलिंग का ओवर बोझ और भार संभाले हुए पहले ओवर में, और इधर शामगढ़ के कप्तान भैया बल्लेबाज थोड़ा तेज चले, क्योंकि आज 3 मैच कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही काफी लेट हो चुके हैं हड़ताल के चक्कर में। बल्लेबाज का नाम पूछ रहे थे, काकू वो तो बल्ला कर रहे हैं, ठीक है काकू, काफी साल बाद खेल रहे हैं जो काकू साथ में फाइनल में हल्की सी। भैया आपकी फेंकने के लिए और गेंद काफी नो बॉल एम्पायर लेके प्रकाश तेरा प्रकाश जी का पीच पर लग रहा भैया, अच्छी फील्डिंग, नो बॉल थी, फ्री हिट है और एक बंदों को किया गया पूरा क्या हुआ काकू और आशी में बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 16 विकेट शामगढ़ का स्कोर। खराब गेंदबाजी वहां पर, पिछली गेंद आकिब की, अगली गेंद खेल दिया लेफ्ट साइड वाला खिलाड़ी दिए जा रहे हैं, भाई गेंद तेज जा रही है भैया, अगर गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही फिर एक दूसरे और देखना होगा बताएंगे क्या है दर्शक, कुछ भी नहीं है, रन दौड़ के पूरे करने पड़ेंगे और दो ही रन दौड़ो बस। अच्छी फील्डिंग वहां पर सफेद टोपी वाले भैया की, बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन, पहले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, बाकी 1 विकेट दे दिया आशु के रूप में। खेलना प्रयास गेंद पंद्रह की बाहर निकली, साथ 1 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन शामगढ़ छोले। ये मांग की थी पहले फोन लगाकर कि भैया अरुण को तैयार रखे हमारे साथ मैच खिलाना है, काफी उनके जलवे थे कि हमने यूट्यूब के ऊपर, आज इतना फोन आया था कल रात को 3:30 पर और हमने अरुण को तैयार किया कि भैया खेलना ही पड़ेगा, जब इतने बड़े प्लेयर का फोन आ रहा है तो आपको याद किया है
नेक्स्ट बॉलर का नाम आपके यहाँ देवेंद्र देवेंद्र अपने स्टाइल का पहला टीम का दूसरा पावर प्ले उठा और हल्के से खेल दिया ये अच्छी टीम पढ़ने पर हल्की सी भाग अच्छी बॉल पहली विकेट देवेंद्र की ठाकुर को सम्मान दिया और वहां पर थोड़ा अगली गेंद लगी पहला देवेंद्र सामना करेंगे काकू आज गरुड़ क्रिकेट क्लब गरुड़ के सदस्य भाई जितेंद्र सिक्का और अच्छी बॉल मिस फील्ड है यहाँ पर बाय के रूप में एक और रन मिलता हुआ और दोनों भाइयों को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीपक सिक्का और जितेंद्र सिक्का को और अच्छी गेंदी लगी कीपर से मिस फिर सानी भाई से मिस और एक टाइगर आता हुआ खेलना प्रयास था गेंद स्लोवर गेंदी समझ नहीं पाया आसिम कवर की दिशा में खेलना प्रयास था कि चूके गेंद नीचे निकली बल्ला ऊपर घुमा इसको रुका हुआ अभी भी 10 रन खेलना प्रयास और क्लीन बॉल वहां पर आसिम मात्र तीन रन बनाकर आउट हुए हैं और जा रहे हैं बॉलिंग की राह दिखाते हुए अच्छे बड़े हिटर से था कि आज मौसम थोड़ा डायरेक्ट मना कर दे और देवन ने अपनी पहले ओवर में सत्ता बदलाई अगली गेंद खेला लेग साइड खिलाड़ियों पर मौजूद है सफेद तो पहले भैया फील्डिंग करते जब तक चुनो भाई अच्छी फील्ड और अच्छा ओवर जाता है जिम की ओर से एक सफलता ली है यहाँ पर देवेंद्र ने काकू और यहाँ पर कीपिंग काफी खराब हो रही है उज्जैन कीपर द्वारा और वह समाप्त दो ओवर की समाप्ति 11 रन दो विकेट के नुकसान पर भैया जल्दी कर रहे हैं आके इसके बाद दो मैच को करा रहे भैया इसके बाद दूसरा खेल वर्सेस सामगढ़ को उज्जैन के सामने ठंडा मौसम काफी है तैयार चुनू गेंद फेंकने के लिए पहला हाथ गोल सानी मौजूद अच्छी खराब फील्डिंग थोड़ी सी लतीफ नाम है लतीफ दिखाई नाम ना बिगाड़े पर मौजूद दुबले पतले खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग काकू को बोल दे भैया बीच में पिच पर नहीं काकू और असलम भाई ये ध्यान दें कि आप जब रन दौड़े तो पिच पर ना दौड़े इसका जरूर ख्याल रखें लतीफ की अगली गेंद सामना करेंगे असलम खान माना प्याज बाकी हिट कल रिवर्सिप में तीन चक्के दिखाए थे आजम चौवनी ने आज कौन बताएगा मोहित मास्टर या और कोई फुलटॉस गेंद भी खेल जाए खिलाड़ी मौजूद हल्की एक रन दो पूरा करेंगे नहीं रन ही नहीं लिया भैया अच्छी फील्ड मना किया काकू ने पहली गेंद आती है अरुण गेड़े के हाथ में तालियां बजाए अरे इनके दहू गई
फील्डिंग अच्छा ओवर जाता हुआ लतीफ का अभी तक उम्र के साथ नजर भी कमजोर हो गई अब मात्र अभी तक तीन उनके दोस्त के रहे जितन जीती के असलम भाई उम्र के साथ साथ नजर भी कमजोर होती जा रही है। अगली गेंद लतीफ की सामने रख रहे काकू चक्का लगा और खेला प्रयास कीपर अभी तक गेंद सही से नहीं पकड़ पाए और इसी साथ पावर प्ले समाप्त। अब राहुल गेंद ले सकती है चाहे तो सामगर नियम है पावर प्ले के बाद का हेलो राहुल गेंद देख हम ये ले जा हेलो यार वो रंबन ले जा था जितना आखिर अपने इस खेल का पलटी का और कदरी नहीं जा आजा आजा मुटो लगे ये गेंद अंदर फेंक दो ये इधर दो ए काका यहां तार दादा को बर्थडे रोहित विशाल बाउंड्री नहीं आई ये खेला गेंद जा रही है खिलाड़ी मौजूद था कि अच्छी फील्डिंग वहां पर जॉब की बता दे भैया दर्शक की पूछने भैया दर्शक ध्यान दे लेख सर के थोड़ा बता दे क्या है अगली गेंद को सीधा बॉल गया वहां पर रोहित ने समझ नहीं पाई गेंद का अपनी दीदी घूम के मारना अभ्यास था और आ रहे शामगर शोले के कैप्टन तीसरा जर कहता हूँ कमजोर रूप में पर 14 रन के स्कोर पर लगता है मुझे 50 रन तक नहीं पहुंच पाएगी शामगर शोले गोकुल दिखा रहे काफी अच्छा हल्का दूर खेला है और पीछ पर ना दौड़े शाम को थोड़ी कप्तान ध्यान रहे चौथा ओवर से 15 रन चौथा ओवर चलता हुआ इनिंग का अगला मैच जो रहेगा आनंद वर्ष दूधा खेड़ी डर सा लग रहा है क्योंकि अब पहला बहुत खेलते थे भाई अब डर सा लगता है खुद एक तेज बॉलर है इसलिए थोड़ा खेलते भाई जब हाथ खोलेंगे तो काफी तेज खोलेंगे ताकि बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर शोले की किकेट का स्कोर शामगढ़ का तैयार है कप्तान शामगढ़ के खेलने के लिए फिर के लाल का तोता की वह सानी भाई मौजूद है अच्छी फिर है मिस फील्डिंग यहाँ पर और असलम भाई निकल चुके हैं और ये नुकसान होगा ध्यान न दिया असलम भाई ने और रन आउट छोटा विकेट गिरता है यहाँ पर शामगढ़ का खराब प्रदर्शन जावरा जैसी देखने को मिला था जावरा की भी कंडीशन थी बाकी बाद में उपेंद्र और सोहन ने अच्छा प्रदर्शन किया था यहाँ पे इसे कोई दो खिलाड़ी चाहिए इसको लंबा ले जाने के लिए कीपर का नाम याद नहीं आता अब आए सोनू तो बल्ला उठा कर दे ठीक है भाई सोनू आए नेक्स्ट बल्लेबाज सामने से रोकी और से अच्छी गेंदबाजी अपना रोहित की असलम में देख रहे था काफी तेज रनिंग करते हो और खेल गया सुमन पेरी अभी चार रन लिए गेंद जारी जोर नहीं पकड़ पाई है
गेंद तेज है और अच्छी पीढ़ी लग रही है भैया। भैया गाड़ी पीछे कर लो तो किसकी है भाई शेट सब गाड़ी पीछे कर लो। आप खिलाड़ी को नुकसान कर सकते हैं थोड़ी गाड़ी पीछे कर लो खड़ी कर लो आपकी। ये रेड कलर की गाड़ी है स्पीड गाड़ी कौन सी है इसको पीछे कर लो। भैया ये अट्टा अंबार सुन लो आपकी गाड़ी पीछे कर लो नीचे मुड़ के ना देखे बाइक पीछे कर लो आपकी मोबाइल में ना घुसे। किसका सोनू सोनू भैया आपकी बाइक पीछे कर लो अट्टा अम्बाल मोहम्मद अम्बाल भैया स्कोर स्कोर हो गया भैया 22 चार ओवर समाप्ति। खेला है बाबा शकील मौजूद है देखना क्या होता है एक या दो तक ये रन लेंगे एक रन हो चुके हैं पिछले ओवर में बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन 5 ओवर चलता हुआ यहाँ से तकरीबन 80 रन तो बढ़ाने होंगे शाम का शुरू को उज्जैन से फाइट करने के लिए। फील्ड में कुछ तब्दीली करते सुनो भाई अब तैयार है सोनू खेलने के लिए। खेल दिया है घुमा कर गेंद जारी अंदर ही है बाकी देखना क्या था है 6 रन शानदार शॉट पहला छक्का था भाई इनिंग का वो भी सोनू के बल्ले से इनके फादर भी काफी तेज खेला करते थे पहले आते थे जाफर भाई। उनका भी हमने काफी मैच देखा है गवर्नमेंट में टूर्नामेंट और फिर खेलना फिर था भाई गेंद पंद्रह हल्की सी बाहर निकली कोई नहीं गेरा तीन अरविंद ग्रीडो के पास एवर पावर स्कोर 29 रन चार विकेट के नुकसान पर चिन्हवाई की अगली गेंद सामना आएंगे सोनू खेल गया कर दिया भाई शकील मौजूद रहेगी शकील की तेज गेंद जाएगी भैया और चार रन पर चार रन बढ़ता हुआ स्कोर डबल तीन 33 शाम करके दो शिकों से अच्छा हो आता हुआ एक चौका एक छक्का भी लगा चुका है दौर में अच्छी बल्लेबाजी सोनू द्वारा। अगले गेंद चुनू भाई की सामना करेंगे सोनू तू वही गेंद रखी बाकी गेंद खींच के रखी बल्ला घुमाया आड़ा गेंद निकली ऊपर से कोई रन नहीं वापसी करते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनू दो चौके एक छक्का लगा चुके अभी तक ये खेल गया खिलाड़ी वहां पर मौजूद है देखना है और बेहतरीन गेंद वहां पर फील्डर नाम बताया भैया केएफ मोहम्मद केएफ ने कैच लिया और सोनू की पारी का अंत किया। नेक्स्ट बल्लेबाज के ऊपर सानू आ रहे तो बल्ला क्या कर रहे हैं ठीक है भाई खेलने के चुके लिए अल्लाह फटा गेंद छोड़ रही है पर जो प्रकाश गेंद को गेंद बाउंड्री करने के बाद छह रन लिए एम्पायर प्रकाश जी का इशारा 6 रन बढ़ता हुआ स्कोर। अरे 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 कमेंट अरे कमेंट अरे मजे का अज्जू तेरी गेंद को समझा मोटा भाई नहीं आया खेलने के लिए हाँ वो लोग की टीम है अभी आने का है आज नहीं मैच देखना अगली गेंद सम्मान जाए गेंद को कोई रन नहीं अच्छी गेंदबाजी पहली गेंद पे सिक्स खाने के बाद बांध दिया है वहां पर अज्जू के दोनों हाथों को खोल लेने दिया और खेला गया अरुण मौजूद अच्छी बिल्ली अर्जुन की अगर बेकअप को अरुण की अर्जुन का नाम आया भाई के पास पल्ले से पहली गेंद आती हुई अच्छा फील्डर अच्छा आ रहा है अरुण
और मारा जा रही है चुन्नू भाई चुन्नू स्मृति का चोट का पीछे लगे गेंद के पास चोट लगकर गेंद को फील्ड किया जब तक दो रन देंगे पूरे गेंगे वो गेंद नहीं सकता इनके हाथों में ताकि दो रन देकर पूरे की वहां पर अच्छी और साधन है अच्छी फील्ड कर रहे वहां पर चोट अरुण के पास बल्लेबाज वायर करते हुए काफी देर कर रहा फील्डर है लेफ्ट साइड की लाठी गेंद जा रही है बाकी जो है फिर मौजूद है वहां पर और बॉल ले गया ग्रीन बॉल और यहां पर जामोर से लगी कप्तान की पर जल्दी कर ले नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में बिलाल होता है 41 ओवर की समाप्ति अब आए उज्जैन के पहले शकील होता आज क्या करते हैं ठीक है शकील और खाली कर दी यहाँ पर चुनू भाई गेंद के मौजूद और कैच कर दिया जज नहीं कर पाए चुनू भाई पहली गेंद पर सफलता हासिल थी वहां पर उज्जैन को सात विकेट भी गिर सकता है लेकिन नहीं इस पर अच्छी शानू की अब तैयार है बिलाल खेलने के लिए अति खराब प्रदर्शन वहां पर शानू का अगर फील्ड लेते तो शायद कुछ होता बाकी ठंडा मौसम छह विकेट गिर चुके अगले गेंद खेलना प्रयास गेंद करने बाद धार से निकली उज्जैन बड़ी आनंद है आनंद गुजर राजकीय मैदान पर खेल दिया है कई समय तक मौजूद थे अंदर फील्ड करें जब तक उनके पूरे गए शानू और बिलाल बढ़ता हुआ स्कोर 43 सात ओवर चलता हुआ इस इनिंग का अच्छी गेंदबाजी दिखाई वहां पर और ये क्या हाना हाना में रजाक पे निकल जाते भी तो ताकि बच गया और बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन और यहाँ पर आरएम की टीम काफी संघर्ष करते हुए मैदान पर पहुंची है क्योंकि आज इनकी गाड़ियां खनिज गाय रोकी है हड़ताल चल रही है और बिलाल का बल्ला पकड़ना क्षण हो रहा है चंद्रपुर जैसा खेल दिया है वहां पर अरुण मौजूद अच्छा कैच अरुण गिरा मेरी तरफ से आपको चाय पिलाई जाएगी अरे मेरी तरफ से पिलाना पड़ेगा और शानदार खेल यहाँ पर अरुण गिरा का वो है चाय के इंसान अगले बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज का नाम बोल रहे कमेंट बॉक्स में अब्बू वो तो बल्ला क्या कर रहे अब्बू आए अब्बू बच्चों तैयार हो जाओ अब्बू आए अब्बू तैयार हो जाओ अब्बू भैया अबू आए अबू रबू गए बच्चे भाई बढ़ गए अबू कैसे राजवा विकेट और यहाँ पर लगता है कि मुझे हैट्रिक बॉल शकील की पिछले ओवर में आएगी अगले ओवर में जो भी है अच्छा है बाकी शानदार के लिए खराब है 44-60 अब आए अब गए
मतलब चचा जा गई कमेंट्री बॉक्स में आए दो बॉलर मार के तीन तीन ओवर डालेंगे भैया अजवा विजवा नहीं आए अजवा है विजवा नहीं आए बल्लेबाज का नाम बता दे भाई कमर बम्मी नारायण और खेल लिया वो सारे भाई मौजूद थे बाकी एक रन और ये क्या गया आए सुनील भी गए अरुण के अरुण साबित है ये उज्जैन के लिए लक्की ये ध्यान रखे उनके टीम में खेलते उज्जैन ने से प्रदर्शन किया है सुनील आए सुनील गए अबू आए अबू गए देखते हैं कौन आ रहा है रन आउट अच्छी फील्डिंग सानी भाई की ये साथ में साथ ही खिलाड़ी है भैया सेकंड के लिए सर सानू कहीं आउट के लास्ट जोड़ी मैदान पर अगर छह रन आउट बनाती है तो 50 पूरा कर पाएगी वरना बल्लेबाज का नाम पता है कमेंट्री बॉक्स में हरी टी शर्ट मुंडिया टी शर्ट और चौपाल भैया आपका नाम बताएं शादाब शादाब एक शादाब कल खेले थे एक शादाब आ जाए पूरा मैच चलता है ग्रुप बी का उज्जैन भरते हैं शाम गई बिताई थी शाम का काफी खराब प्रदर्शन रहा अभी तक आठ ओवर चलता है अच्छी गेंद आकिब की समझ नहीं पाए सानू साइड रोहित मौजूद है अरे कदर का पूरा किया भैया ठंडे मौसम में ठंडी सी हो गई है पर दो सप्ताह अरुण मौजूद दोनों लगा आप कष्ट ना करें वरना तीन स्टेप एक साथ गिराते हो तो गेंद देते स्टिंग पर गेंद कर बढ़ता है अंदर खोटी फाइव नाइन विकेट कितने स्टेप दो ओवर के दरमियान में मोटे मोटे स्टेप अरे गेंद आकिब की और गेंद पटने पर भाग नहीं की जितना गेंद और आइड बाद इसी का देखा दिल्ली जाता हुआ अगला मैच आलम वर्सेस खेल दिया गेंद का लपेट के ग्राबर मौजूद नासिर अच्छी फील्ड एक रन नहीं रख पाएंगे बर्तन उसको 47 अपने 50 रन से तीन रन दूर चाहे शानू के मानो या टीम के मानो लेफ्ट खेल जाए जो है मौजूद और ये क्या है गेंद का चक्का और क्या सारे क्या मैं नहीं बता सकता अच्छा स्ट्राइक नहीं दे रहे और स्ट्राइक बर्ताव को 48 रन खराब फील्डिंग का फायदा भी नहीं रहा था शानू ने अगले गेंद आतिक के सामना करेंगे शादाब और गेंद पैर में पड़ने के बाद सिंह अपने खेले गए और 12 गेंद शेष है अगला मैच आनंद वर्सेस बॉलर ठीक है भाई और सामना करेंगे सानो और गेंद अच्छी गेंद पड़ने के बाद पूछी रही बल्ला नीचे घुमा कोई संपर्क नहीं गेंद बल्ले का गेंद भी बच्चा आपके हाथों में गौरव नहीं अभी लगता है आपके बॉलर है मौसम अरे बहने मत दिला रहे और खेल दिया है सालू ने आखिर के पास मौका नहीं है चार रन रखने का अच्छा शोर सालू की वजह से करता हुआ इसी के साथ शानदार शोले के 52 रन पूरे होते हुए अच्छा शॉट लॉन्ग हॉप पे मारा वन बॉल चार रन मौसम की पहली गेंद देखते तो क्या हुआ अगली गेंद खेल दिया लेफ्ट साइड की मौजूद वहां पर केस केस के छोटे ही लाल आउट केस ने तीन केस पकड़े आज बहुत
करना है उज्जैन अमन स्पॉट को। दोनों गेंद फेंकेंगे लेफ्ट आर्म से अजम खान रोहित के लिए। काफी तेज गेंद, कीपर से मिस, खिलाड़ी कर रहा आसिफ और वाइट एम्प खड़ा आसिम रहा सानू से मिस की गेंद। काफी तेज गेंद, आज भी इनकी गेंद में वो घाट है, वो अवतार है। एक बार लेजर के टूर्नामेंट में इन्होंने रावल मंडी के पंजाबी साथ बल्लेबाज का गार्ड तोड़ा था इसी मैदान के ऊपर। फिर वही गेंद, वही लाइट, अच्छी गेंदबाजी, कीपिंग इतनी अच्छी नहीं, उनके हाथ से छेट रही है रोहित और नान स्टर पर किया सागर अक्षम खान। मौजूद फिलहाल नहीं पकड़ पाएंगे गेंद को, गेंद गई काबू के पास, काबू ने फील्ड किया। जब तक एक रन दो के ऊपर किया, आप इस मैच स्कोर करके मैच भी देख सकते हैं लाइव क्रिक्स हेयर पर और इसको यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं आप। यूट्यूब चैनल का नाम है जीतू भाई सामगढ़ वाले डीजे। हर मैच देखते हुए मिलेगा आपको फाइनल तक। असलम की सामना करें के अभी भी कवन मंडल अपने लक्ष्य से यहाँ पर उच्चन एम्पायर इधर से दौड़ते हुए थैन के अंदर हल्का रोक चल गया निकलना अपना चाह रहा कि मना किया वहां पर रोहित ने रूप से दौड़े और यहाँ पे आके फिर कल आपने फील्ड किया। अच्छी गेंदबाजी अभी तक वहां पर असलम खान द्वारा। वो कहते ना कि बंदर कितना भी फुटता हो जाए बाकी गुलाटी मारना नहीं भूलता। इनकी उम्र के साथ साथ वेलम कम हुआ बाकी गेंद में रफ्तार आज भी हुई है। काफी टॉप पालर है शानदार की ओर से ये रिवर्स के बाद एज लगा था बाकी कीपर से शायद गेंद मिस। अच्छी गेंदबाजी लैंड और गुड लैंड पे गेंदबाजी कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे वहां पर केफ और रोहित। मौसम काफी ठंडा है। अगली गेंद असलम खान की सामना करेंगे खेल दिया गली में हल्के वापस गेंद के भी जा रहे हैं नहीं जाएंगे। अच्छी फील्डिंग वहां पर तीस रन की निकल पड़े वहां पर तीन नंबर की पूरी वहां पर केफ और रोहित ने। सुनील देसाई तो फील्डर पांच रन अभी भी 48 रन दूर अपने लक्ष्य से यहाँ पर उज्जैन अमन स्पॉट खेलने का प्रयास था। अरविंद समाप्ति अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में असलम द्वारा की गई है। मात्र पांच रन देकर ओवर समाप्त किया, कोई नुकसान नहीं अमन स्पॉट को। अच्छा अच्छा नेक्स्ट ओवर लेके आए, अगला ओवर लेके आए। अबू हो तो हाथ खड़ा कर दे। हाँ अबू है भैया। अभी भी 48 रन दूर है, 54 गेंद पर 48 गेंद में जिंदगी उज्जैन को। अगर ऐसे ही 5-5 रन देकर ओवर पूरे किए यहाँ पर सांभर दो मेरा पहला मैच। अच्छी गेंद अबू की और निकाला का प्रयास था ताकि थर्ड गेंद आनंद की टीम मैदान पर पहुंच चुकी है और वो खेलेगी दुबा खेड़ी से। दुबा खेड़ी में भी एक से एक खिलाड़ी रिस्पॉन्स किए हैं और फिर वही लाइन में गेंद। अच्छी फील्डिंग खराब थी प्रयास था मानने का ताकि बेगम तो खुश हो पालक अच्छी गेंद मजी हो रही है। सारे लगता है कि शामगढ़ के पास भी गेंदबाजी अच्छी है क्योंकि बल्लेबाजी पूरी खराब थी। अब चले गेंद लेकर केफ के लिए चल जाए लेफ्ट साइड। कोई खिलाड़ी मुझे नहीं भैया गेंद नहीं कर सक चार जरा एम्पायर चिकन सेट्टी द्वारा बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। काफी ठंडी आवाज चलती हुई
कोई खिलाड़ी बाहर किया, काकू को अंदर, कप्तान को दच्छू बाहर गए लेफ्ट साइड। अब तैयार गेम खेलने के लिए, तैयार किया खेलने के लिए। और गेंद भातिन गुड लाइन में गेंद, लगता है आज मौसम इतना सुहाना है कि सभी टीमें कम स्कोर बनाएगी, ठंडा मौसम ज्यादा है आज। अगली गेंद गेयर कीपर कीपिंग खराब हो रही है और यहाँ पर लुकता है और ये बार बच गया फिर गया और रन आ ही गया। किस्मत से, किस्मत से आई गया कीपिंग खराब या कीपर सारे ने छोड़ी, आसिम ने छोड़ी, सारे ने छोड़ी, अबू ने छोड़ी, काकू ने छोड़ी, पांच पांच खिलाड़ी ने गेंद छोड़ी। हाँ किसका बच्चा रो रहा है, अब की गेंद ताजी अच्छी रो रखी, फील्डिंग खराब, शानदार चलेगी। फिलहाल और काकू को बाहर निकालते हुए बाकी खिलाड़ी अंदर आते हुए में शानदार फील्डिंग की थी उज्जैन की ओर से, जयत के और अरुण गिरोत्रा। सही गेंद और अच्छी फील्डिंग पर मेस फील्डिंग और फिर भी एक रन से नहीं रोक पाएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन, अगर समाप्त अच्छा हुआ डाला। अगर आलम के बीच में और तीसरा मैच होगा उज्जैन और शामगढ़ विनर और दूसरा के लिए आनंद विनर मेरा आया ना बल्ले। अब तू जाएगा बल्लेबाजी करने, मुझे विश्वास है तू तीन चक्के एक मारेगा, हार को भरोसा हुआ है पूरा। सुनील आए तो हाथ खड़ा कर दे और ठीक है भाई। यहाँ चले सुनील नारायण पूरा बल्ले के और राहुल रावा के लिए तैयार, रोहित खेलने के लिए। टॉस गेंद जा रही है, वन बाउंस चल रहा गेंद से शुरुआत चालू कर दिया यहाँ पर रोहित ने अपने तेवर दिखाना, वन बाउंस चार रन पे। अगली गेंद बल्ले ने दिखाई गेंद की दूरी दूरी और एम्पायर परखा जी दिखाई छह की मंजूरी। बढ़ता हुआ स्कोर हो गया अभी क्या 21, लगता है मुझे काफी महंगा हुआ दिख रहा है। फिर आंसू को बाहर निकाला, काकू को अंदर लिया। अगली गेंद सुनील की सामना करेंगे। हाँ रोहित तैयार, लपड़ा गेंद को अगर असल में मौजूद, अच्छी फील्डिंग करते हैं हल्की सी मिस फील्डिंग। बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन, पावर प्ले का अंतिम करता हुआ तैयार। रोहित ने अपने तेवर दिखाना शुरू किया, आप केस देखते हैं केस कितने देर बाद लंबे शॉट दिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पावर प्ले का अंतिम ओवर है, इसको हो गया 22। और हल्का रन खेल दिया, रन दिया है पर आंसू मौजूद है कि खराब छोड़ो, अच्छा बेकअप साइन होगा। बढ़ता है स्कोर 23 रन, अमन स्कोर उज्जैन वर्सेस शामगढ़ से लेके दिख रहे मैच चल रहा है। ग्रुप टू का पहला मैच, दूसरा मैच खेल जाएगा दूसरा खेड़ी वर्सेस आनंद के बीच में जो गुजरात से आ चुकी है, काफी संघर्षों का सामना करते हुए। लपेट दिया खराब गेंद, गेंद जा रही छे, बताएंगे वहां पे शाम को कुछ खिलाड़ी छे शाम हरी खिलाड़ी बताएंगे। ये अगर आते भैया काफी महंगा और साबित एक चेन्नई जीतने के लिए। आओ अच्छी फील्डिंग वहां पर, और थोड़ा दिमाग ध्यान रखे मैच को देख ले।
करता हुआ स्कोर 31 रन 3 ओवर समाप्त, पावर प्ले समाप्त। अब चाहे तो बल्लेबाज राहुल गेंद ले सकता है। ये रन तीन लिए दो एक ही रन, एक रन जब यार तो स्कोर सब 30 ही रहेगा। स्कोर 30 रहेगा। तीन ओवर समाप्त, 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर उज्जैन स्पोर्ट का स्कोर। जल्दी मैच शुरू हो रहा है क्योंकि इसके बाद गुजरात से आई हुई आनंद वर्सेस दुधाखेड़ से आई दुधाखेड़ का मैच होगा। ठीक है वो चला वाला कल के मैच जो शेरू मोहम्मद सिराज ने खिलाड़ी बुलाए हैं तो कल के मैच की सुन ले। जम्मू कश्मीर पवेल का सामना करेंगे रोहित और तो काफी लंबा ऊंचा दिख रहा भैया ये लड़की ने ये रोहित तगड़ा दिख रहा भैया छुट्टी हो रहा अच्छे खेल रहे नींबू कहीं कह रहे मुंह कर दी गेंद तो कभी मोटी है लेकिन नींबू रुकी पड़े एक बात पर काम स्कोर हो गया 36 रन 14 दिन कप्तान अज्जू मौजूद। अच्छी थोड़ी खराब फील्डिंग हुई मतलब बाकी एक गेंद मिलेगा बढ़ता हुआ स्कोर 37। काकू भाई काकू आज कुछ नहीं कर पाए ये भी बोलूंगा मैं पिछले साल भी कुछ नहीं कर पाया किस्मत खराब चल रही है उड़ में नीरज अच्छा खराब के साथ ही खिलाड़ी थे अच्छा खेल गिर है बाकी दूसरी तो काफी अच्छी स्कोर बल्लेबाजी करते हैं। ओके वाइड बॉल सिर्फ माना जाता था कि वाइड गई चूके कीपर ने काफी खराब की पिंकी आज सामने में खेले वो किसे खेले में पड़ता वर्ष 38 रन अच्छा शॉट कवर में खिलाड़ी मौजूद अब्बू बाकी वहां पर अब्बू नहीं थे बिलाल थे हल्की सी मिस फील्डिंग भैया टास करा ले कमेंट्री बॉक्स में आकर इलेवन भी लिखा है आनंद अपने आगे नदीम भाई आए हो तो दोनों टीम के कप्तान आकर अपने इलेवन लिखा थे भैया मोबाइल नंबर सहित एक अपडेट आप आशा भाई गेंद काफी क्योंकि असलम भाई की भैया रोहित के लिए संदेश था कि पहला गेंद अच्छी थी लपेट लिया बाकी हर बार गुरु का मौका दूंगा मारने के लिए। हाँ पीच में नमी है जब उज्जैन तगड़ी बॉलिंग कर सकी छियालीस रन बदला भैया मात्र 4-3-7 रन दूर जीत से हमारे स्पोर्ट चैट अगला मैच है तैयार है कप्तान और आनंद की कप्तान टॉस के लिए खड़े जाए थोड़ी गर्मी ले रनिंग करके कमेंट्री बॉक्स में आ जाए दूसरा खेल के कप्तान और आनंद की कप्तान टॉस के लिए आ जाए और एज लगातार कदा फिर खराब की टीम पर वो भी क्या करे गेट अपनी चाह रही है देखिए पांच तो मच लेंगे थोड़ी देर बाद वो लगी तो है 7 रन दूर यहाँ पर जीत से अमन स्कोर उज्जैन अपने ये खेल दिया वो माधुरी एक रन दूर अच्छा शोट हेलीकॉप्टर शोट मजाक में पता लोहा की खड़ा हुई अच्छा फेंक के मैच देख रहा था और एक रन चाहिए सत्ता और रन एक रन बनेगा 36 फेंक के बनेगा गेंद अंदर फेंक है भैया दूसरे खेली कप्तान मदन सिंह आजा भैया टॉस के लिए